सुजानपुर का बस स्टैंड लंबे समय से बदहाली का शिकार है। इस बस स्टैंड को सुचारू करवाने के लिए कई दफा कोशिशें की गई हैं, लेकिन यहां बद इंतजामी का आलम है। सुजानपुर बस स्टैंड की ये तस्वीरें शहर में विकास कार्यों की नजीर पेश कर रही हैं। पुर वासी मैं रंगा बोल रहा जी, शाफरीगढ़ वार्ड नंबर 3। ये 5 नंबर हालत बहुत खराब है, पक्खे की हालत देख लो, बैनर देख लो, जो भी है साफ सफाई कोई नहीं हो रहा, कोई माँ प्यो नहीं है। तो ये बारे कोई सुनाई होनी चाहिए है। सरकार साढ़े की करे करे, MC साढ़े की करे करे, ये MLA की करे करे, साढ़े कोई मतलब है कोई यदा कि मर्जी कूड़ा आके सुट जे, फिर तो कि मर्जी चल रहा, कोई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई यदा की मतलब है। उखे देखो जाके कोई आए इतों, कोई MC आए, जो कोई MLA आए, ये पखे देख लो, कोई बैनर देख लो, यदा सब टुटा भजया, पैसे ने 3-3, 4-4 बजे खा लिया इन्होंने, तो कोई मतलब नहीं यदा। पखे देखो जा के सोचना पता करंट आता, पखे टेढ़े मेढ़े, ठीक है जी, तो बैनर बुनर देख लो। तो बाकी मैं यही कहना चाहना भी यदा कोई सुनाई हो, जो भी है MC कोई आए, जो MLA आए, तो हालत देखे जाके भी की हालत है, इन्ना पैसा आए तो कितने जाएगा सर, ठीक है जी। हूँ साढ़े जड़े कि ना का रूप लाल प्रधान कमेटी के चेयरमैन, कद पूछा कि इतने आके बड़े कुछ दिखे कोई सियामपुर की हालत की होएगा, तो की 5 नंबर को कुत्ता त्रीड़ा भैन चुके कि गंद लोग सुट के चल देते, मुश्क नहीं है, अगो बीमारी चली रही है, कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। मैं राजू मॉडल सुजानपुर तो, और मैं प्रशासन और पंजाब सरकार के अगे ये मंग रखना कि जो 5 नंबर के पार बस स्टैंड रघुनाथ साहिब पुरी की सरकार या रघुनाथ साहिब पुरी मिनिस्टर के टाइम पर बनाया गया है, बहुत ही मेहनत करके कुछ देर उत्थे बसा का जोड़ा स्टॉप किया गया सी, और जदों ही पंजाब कांग्रेस की सरकार चली गई और दूसरी सरकार आई अकाली BJP सरकार आई, उदे बाद वो जोड़ा बस स्टैंड है दिन ब दिन खत्म ही हों गया। उत्थे अज आटो वाल ने अपना स्टैंड बना रखे रस्ते से। मैं चाहना कि उस बस स्टैंड नू पंजाब सरकार ने इन्ने खर्चे दे नाल जिहड़ा बनाया सीगा, अज उहदे वल कोई भी सरकार जां कोई भी MLA उहदे वल ध्यान नहीं दे रहा। हाथ जोड़ के बेनती करदा कि जल्दी तो जल्दी इत्थे एक तां बस का स्टॉप द्वारा तो कराया जाए, जो कि रघुनाथ साहिब पुरी जी ने कराया, और मैं मंग करना पंजाब सरकार दे अगे कि इहदी जिहड़ी खस्ता हालत होती जा रही है, इहदे वल थोड़ा जिहा ध्यान दिता जाए, तां कि जो इहदे पक्खे है देखो जिहड़े कि अंदर लोगों वास्ते पखे लगाए गए सी, वो पखे भी तोड़ दिते गए है, ना ही वो चल रहे हैं, और यदि जी बिल्डिंग हैगी थलों की जो ये नींह टुट गई है, और जो यदा बोर्ड है, बोर्ड से जो भी पंजाब सरकार ने स्टॉप के बारे बस स्टॉप के बारे लिखाया गया सी, वो भी मिट गया। मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना अपनी सरकार के अगे कि इस और थोड़ा जहा ध्यान दिता जाए, ता कि जेडे भी लोग जिन्होंने मलकपुर या पठानकोट जाना पैंता सुजानपुर दू, एडा वड्डा ना होने के बावजूद भी सुजानपुर का इतने कोई बस स्टॉप नहीं है, जदों भी बस स्टॉप बनाया और रघुनाथ साहिब पुरी जी ने बनाया कांग्रेस सरकार के टाइम पर ही बनया, और मैं कहना इसलिए सरकार भी अपनी है इस और थोड़ा ध्यान दिता जाए, जल्दी तो जल्दी इन्हू चालू किया जाए। धन्यवाद। +2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं, और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है TV इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में TV बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।